आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा में जंग छिड़ चुकी है। आप लोग देख रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा। इन्होंने अभी अभी कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया। रोहतक में आए थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका कहना था कांग्रेस पार्टी हमसे कैसे लड़ पाएगी। पहली बात तो उसमें गुटबाजी है, कई गुट बन चुके हैं, और दूसरी कांग्रेस अभी अपना संगठन ही नहीं बना पाई। इन्होंने सीधा सीधा कुमारी शैलजा पर भी कटाक्ष किया कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनी थी और उनका तबादला हो गया। और उसके बाद चौधरी उदयभान जी आए और ये भी कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाए। कांग्रेस में ना ही जिलाध्यक्ष है और ना ही मंडल अध्यक्ष है, ना ही बूथ अध्यक्ष है, ना ही पन्ना प्रमुख है। जबकि इनका कहना है भाजपा में जिलाध्यक्ष भी है, पन्ना प्रमुख भी है, मंडल अध्यक्ष भी है, बूथ अध्यक्ष भी है, पूरा संगठन इनका है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमसे कैसे लड़ पाएगी। डॉक्टर कमल गुप्ता का ये भी कहना है चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि हमारा संगठन है, जबकि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये पहली बात तो आपस में लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, कुमारी शैलजा का गुट है, अभी रणदीप सुरजेवाला का गुट आ गया है। तीन तीन गुट बने हुए हैं, संगठन है नहीं, ना तो इनका जिलाध्यक्ष है ना तो मंडल अध्यक्ष है, तो प्रदेश कार्यकारिणी तो है ही नहीं। और कुमारी शैलजा भी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाई और चौधरी उदयभान जी भी वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। तो बिना संगठन के हमसे कैसे लड़ेंगे, ये कहना है डॉक्टर कमल गुप्ता का। अब देखते हैं कांग्रेस संगठन खड़ा कर पाती है या नहीं खड़ा कर पाती। इनका कहना है भाई भाजपा ही तो एकजुट है, इसमें कोई फूट भी नहीं है, संगठित होकर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है, संगठन नाम की चीज ही नहीं है। जब इनसे कहा गया भाई लोकसभा में कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं, ये मत भूलिए आप, इस पर इन्होंने बोला भाई झूठ फरेब कर लिया, झूठे वादे कर लिए, तुक्का मार दिया, 5 सीटें आ गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, हम संगठन से लड़ेंगे, हम संगठन बना के लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। अब देखते हैं चौधरी उदयभान जी क्या करते हैं, क्या जवाब देते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता के आरोपों का। लेकिन इतना तो देखने में आया है कि कांग्रेस पार्टी में कई गुट हैं। कल हमने आपको बताया था रणदीप सुरजेवाला, वो अलग रास्ते पर चल चुके हैं, अलग गुट बना लिया है। अब उन्होंने पूरे हरियाणा में परिवर्तन रैलियां करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले कुमारी शैलजा ने अलग पदयात्रा निकाली, दीपेंद्र हुड्डा ने अलग पदयात्रा निकाली है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, एक बड़ी जंग होने वाली है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। देखते हैं जो भी होगा आगे पता चलेगा आपको। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।